टीके की तीनों डोज पर बीमा प्रीमियम में छूट की तैयारी आई ने कोविड दावों को भुगतान तेज करने को कहा डाल ए टू इमेज जेनरेटर जा पीटीआई नई दिल्ली बीमा रेगुलेटर आई ने बीमा कंपनियों से कोविड 19 टीके की तीनों खुराक ले चुके लोगों को साधारण और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर छूट देने का विचार करने को कहा है रेगुलेटर का यह सुझाव कई देशों में कोरोना वायरस के मामले आने के मद्देनजर आया है सूत्रों ने कहा कि इसके साथ ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीएआई ने जीवन और साधारण बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों से कोविड से जुड़े दावों का भुगतान जल्दी से करने और कागज़ी काम में कमी लाने को कहा है सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते कोविड 19 को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित बैठक में रेगुलेटर ने कहा था कि बीमा कंपनियों को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए है। आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के जरिए कोविड महामारी की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करने को कहा रेगुलेटर ने विदेश यात्रा बीमा के विभिन्न देशों में कोविड जांच की ज़रूरत जो उनके नेटवर्क में आने वाले स्वास्थ्य के बारे में सूचना का प्रचार प्रसार भी करने केंद्रों के, के जरिए जांच कराते को कहा है संदर्भ में ऐसी पॉलिसी तैयार करने वालों से पॉलिसी धारकों हैली टप गया है कि पैनल में शामिल अस्पताल रेगुलेटर की तरफ से बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया कोविड 19 को लेकर अस्पताल में भर्ती होने पर जमा राशि नहीं लें कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद कुछ अस्पतालों ने पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड के इलाज के लिए राशि जमा कराने की मांग की थी